एलजी का रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि ये सिंगल डोर का फ्रिज है और बहुत ही कमाल का फ्रिज है भाई एलजी का। चलिए अनबॉक्स करने के द्वारा मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताता हूँ, लेकिन चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा एलजी का सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस आपको रेफ्रिजरेटर में क्या क्या देखने को मिल पाता है। सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग का ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली मेंशन किया हुआ है। एलजी कंपनी का मॉडल वगैरह यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, टोटल चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। 26,499 रुपये इसका प्राइस है। नॉर्मली ऑफलाइन लोगे तो आपको कम ही बताया गया, एमआरपी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे। बॉक्स को ओपन करने के बाद देखेंगे इस आपको फ्रिज में क्या क्या देखने को मिल पाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। कलर बहुत ही अच्छा देखने को मिल पा रहा है, एलजी का ये सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है भाई। चलिए जल्दी जल्दी इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं लुक और डिज़ाइन क्या क्या हमें देखने को मिल पाता है। तो देख सकते हैं कंडीशन बहुत ही अच्छा है भाई, रेड कलर में ये, रेड कलर तो नॉर्मली बहुत ही अच्छा होता है और फ्रिज बहुत अच्छा देखने को मिल पा रहा है। पीछे के साइड में जाली आपको नॉर्मली, अभी आप बहुत सारे फ्रिज में इंटरनल कंडेंसर भी देखोगे, जो कि ये कंडेंसर इसे कहा जाता है, ये बाहर के साइड में है, आप अंदर के साइड में भी कंडेंसर ले सकते हो। यहाँ पर एक कंप्रेशर बैक साइड में देखने को मिल पाता है और एक पीसीबी यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ देख सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ, एक ट्रे है जो पानी स्टोर होता है और टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक वो पानी आपका सूख भी जाएगा जब ये हमारा फ्रिज रन करेगा। तो बाकी ओवरऑल सारा कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरा सील पैक है ये हमारा। चलिए इसको ओपन करके अंदर का भी कंडीशन देखते हैं कि भाई इस फ्रिज का अंदर का कंडीशन क्या है, स्पेस वगैरह किस टाइप का हमें देखने को मिल पाएगा। तो ये नॉर्मली हमारा ओपन हो चुका है, अब देखते हैं इसका अंदर का कंडीशन क्या हो सकता है। तो अंदर कंडीशन देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे आइस जमाने के लिए भी ऊपर में यहाँ पे एक दो बॉक्स है जो कि आप नॉर्मली ऊपर के साइड में रह सकते हैं। दो हमारा यहाँ चेम्बर है, इस चेम्बर के अंदर में भी आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे दो पीस रखा हुआ है तो इसको हम निकालेंगे और इसको इंटरनली अंदर के साइड में इसको रख देंगे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमें देखने को मिल पाता है। तो राइट साइड में आपके ये रखा हुआ रहता है, तो इसको चलिए बाद में इसको ओपन करेंगे। अब मैं आप लोगों को अंदर का लुक दिखा देता हूँ कि भाई देख सकते हैं ये जो हमारा चेंबर, इसमें स्पेस बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने दिया है। इसमें आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हो, जो जिसमें आपको माइनस के लिए चाहिए, मतलब आइस जमाने वाला चीज़ जो जमा हुआ है। बाकी चॉकलेट वगैरह भी नीचे रख सकते हैं, स्पेस बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। राइट साइड में यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर मीटर के ऊपर में लिखा हुआ भी है कि इस तरह से आप इसको टाइम टू टाइम सेटअप कर सकते हैं, मॉनसून में, विंटर में और आपका गर्मी में, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। नॉर्मली आपका 1-4 आपका ठंडा में रहेगा, 4-6 आपका बरसात में रहेगा और 6-8 आपका गर्मी में रहेगा। सारा चीज़ नॉर्मली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंपनी ने, तो ईजिली बेसिक पर आप इसको सेटअप भी कर सकते हैं। और नीचे के साइड में एक आपको बॉक्स मिलता है जो फल फ्रूट सब्जी वगैरह ईजिली तरीके से रख सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। स्पेस बहुत अच्छे तरीके से मुझे देखने को मिल पाई, लेटेस्ट है भाई, 2023 का मॉडल है। तो ये फ्रिज आप इजिली ले सकते हो, बहुत अच्छा तो कंडीशन है मुझे ये फ्रिज लग रहा है। यूज़र मैनुअल वगैरह आपको नीचे बॉक्स में देखने को मिल पाता है। तो सारा चीज़ है, एक आपको लॉक के लिए एक ये आपका की भी था यहाँ पे, चाबी, जो कि आप फ्रिज को टाइम टू टाइम अपने हिसाब से इसको लॉक भी कर सकते हो भाई। ग्लास वगैरह सारा हेवी टाइप का, अंदर साइड में आप पानी का जो ड्रॉप होकर के लेफ्ट साइड से वो निकलते हो, बाहर के साइड में जाएगा। बाकी अंदर का कंडीशन आप सारा देख सकते हो किस प्रकार से आपका स्पेस वगैरह सारा बढ़िया है, लुक डिज़ाइन सारा आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। और नीचे का बेस में इसका सब्जी वगैरह रखने का भी ट्रे आता है जो अलग से सर ने लिया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है और कंप्रेसर का वारंटी आपको 10 ईयर्स का मिलता है और 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिल पाता है। और ये स्टेपलेस फ्री ऑपरेशन सिस्टम है, मतलब आप इस फ्रिज में कि आप बिना स्टेपलेसर का भी यूज़ कर सकते हो, कोई तरह का इशू कोई तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। काफ़ी सारा चीज़ इसमें देखने को मिल पाता है हमें इस फ्रिज में, और बहुत अच्छा फ्रिज है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद